दोस्तों स्नो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पर वॉक करना पड़ेगा। हाँ अनिल भाई बर्फ में डूब चुके हैं। मुलायम बर्फ है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि तो हम पहुंच चुके हैं अनटच स्नो में। आप देख सकते हैं बिल्कुल मुलायम स्नो है ये। अगर अप्रैल में भी आप स्नो देखना चाहते हो तो बद्री डायरीज को कांटेक्ट। झूले में सुधार हो। चलो भाई झूले में नील भाई पूरी मेहनत करते हुए, नील भाई थक चुके हैं पूरी तरह। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दूसरी तरफ। हेलो नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी? हो आप सभी मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे घर में बैठे। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों, तो हमें भी बहुत गर्मी लग रही थी मनाली में। अभी मनाली में हम अभी मनाली से अपना सफ़र स्टार्ट किया। आज नए दिन के साथ नया ब्लॉग फिर से बना रहे हैं, आपको आज अपडेट देंगे अटल टनल, सिसु, फुक्सर। आपको आज देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे आज। आज मेरे साथ है अनिल भाई जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई। आज तो मैं आराम से आज वीडियो ही शूट करूंगा बैठ के। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा मनाली खाली पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम लेट हो चुका है। यहाँ पे आपने देखा होगा वीडियो में, कुछ टाइम पहले पूरा जाम लग रहा था, ये रास्ता पूरा टूटा हुआ था। अभी पूरा काम हो चुका है, बस यहाँ पे 10 मीटर का काम बचा है, तो उसके बाद जाम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी मनाली की। क्योंकि अब रोहतांग पास भी खुलने वाला है, अगर आप भी रोहतांग पास आना चाहते हो तो एडवांस में बुकिंग करा सकते हो, और अगर पर्सनल गाड़ी से जाना चाहते हो तो आपके लिए हम स्पेशली वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप पर्सनल गाड़ी रोहतांग पास ले जा सकते हो, परमिट कैसे निकलेगा गूगल से। तो हम पूरा डिटेल डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ताकि आपको मनाली का नया नया अपडेट मिलता रहे। तो अगर आपको भी अभी स्नो देखनी है तो आप बने रहे हमारी वीडियो में। अभी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा स्नो है, अभी स्नो के साथ आपको ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। अभी हम हैं सुलांग वैली वाली साइड पे, सुलांग वैली पहुंचने वाले हैं। अगर जैसे ही हम अटल टनल क्रॉस करेंगे उसके बाद जो ठंड होगी ना दोस्तों, आप वीडियो देख के ही समझ जाना। यहाँ पर तो थोड़ी गर्मी है पर उस साइड वेदर ही बिल्कुल डिफरेंट है। विंटर में यदि आप आ रहे हैं लाइव स्नोफॉल टाइम पे तो यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, आपने देखा ही होगा वीडियो में, और अलग ही व्यू लगता है। अभी कुछ अलग ही लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, ये कुछ मस्ती व्यू लग रहा है ये भी। तो हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, आपने विंटर में देखा होगा बहुत ज़्यादा स्नो रहती है यहाँ पर, सभी लोग यहीं पे एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पे जिपलाइन वगैरह होता है। सोलांग वैली में अभी आप पैराग्लाइडिंग ही कर सकते हो, आप देख सकते हो ग्रीनरी आ चुकी है, स्नो जा चुकी है। तो हम स्नो की तलाश में आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं हमें स्नो कहाँ पर मिलेगी आज सबसे बेस्ट, देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे हम सिसु खोक्सर दोनों को कि जहाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस टाइम पे। तो हम अटल टनल के पास पहुँचने ही वाले हैं, ये है धुंधी पॉइंट, और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता टूटा हुआ है जहाँ पर अगर मॉर्निंग में आप जल्दी नहीं निकलते सिसु की और अटल टनल खोक्सर की ओर तो यहाँ पे जाम लग सकता है। आपने देखा होगा पुरानी वीडियो में हमारा पूरा जाम रहता है यहाँ पे, क्योंकि वन बाई वन करके गाड़ियाँ निकलती यहाँ से। जैसे ये वाली लाइन रुकेगी फिर हम जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम इस जगह को जाएंगे। अभी ओपन नहीं हुई है बकरथाच ब्यासकुंड ट्रैक, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बर्फ है। हाँ जी भाई, यहाँ से ब्यासकुंड जाते हैं तो उस टाइम हम जाएंगे ब्यासकुंड की तरफ जब स्नो थोड़ा कम हो जाएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, पैदल ट्रैक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी धुंधी में भी स्नो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देखते हैं अटल टनल पे भी स्नो है या नहीं है, क्योंकि हम भी कुछ दिनों बाद खुद जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद। उस पहाड़ पे तो स्नो काफ़ी है पर अभी लाइव यहाँ पे नहीं है जहाँ पे स्नो एक्टिविटी होती थी। फाइनली हम अटल टनल के पास पहुँच चुके हैं, तो अटल टनल के पास पहुँच के हमारे को लिटल लिटल स्नो के दर्शन हो चुके हैं, गंदी वाली स्नो के, क्योंकि अब स्नो पूरी काली पड़ चुकी है पॉल्यूशन की वजह से, धूल मिट्टी
देख सकते हो बहुत ही कम है, साइड में बिल्कुल हार्ड वाला स्नो है। ये भी कुछ दिन में चला जाएगा, थोड़ा भी स्नो नहीं रहेगा। तो आगे भी एक्सप्लोर करते हैं आगे कहाँ हमारे को फ्रेश स्नो मिलेगी। तो ये है अटल टनल साउथ पोर्टल, अटल टनल का साउथ पोर्टल है ये। यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा सफ़र लाहौल वाला, लाहौल स्पीति वाला। तो यहाँ पर हमारे मित्र लोग भी ड्यूटी दे रहे हैं अपने, चेकिंग कर रहे हैं गाड़ियों की। यहाँ पे चेकिंग होता है गाड़ियों का, अगर आप अपने साथ पेट्रोल डीजल हथियार लेके आ रहे हो तो टनल के अंदर ना आए। ऐसे आप ऐसे हथियार लेके मनाली तो बिल्कुल ना, हिमाचल ही ना आए, अपने घर में ही बैठे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय देश है, शांतिप्रिय प्रदेश है। तो आप यहाँ पर उड़दंग मचाने ना आए। और टनल के अंदर ओवरटेक बिल्कुल भी ना करें, आज लगता है लाइट चली गई है टनल की। तो मिलते हैं सिसु वाली साइड नॉर्थ पोर्टल में। तो फाइनली हम अटल टनल नॉर्थ पोर्टल में पहुंच चुके हैं। तो सामने स्नो बहुत ही कम दिख रही है, धूप लगी हुई है आज, अब देख ही सकते हो इस टाइम पे स्नो यहाँ पे भी लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। हमारे राइट साइड में ही स्नो है जहाँ पे आप जा नहीं सकते, यहाँ पे अच्छी स्नो है, पर यहाँ पर ग्लेशियर का खतरा रहता है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है ग्लेशियर क्या होता है, तो हम अभी जा रहे हैं खूबसर वाली साइड, तो आपको दिखाएंगे ग्लेशियर क्या चीज़ होती है। और ये है चंद्रा ब्रिज, इसके नीचे से चंद्रा रिवर बहती है जो हमारे राइट साइड से आती है स्पीति वैली से, चंद्रताल लेक से। तो आज हम राइट ही जाएंगे खूबसर की ओर, क्योंकि सिसु तम लगभग डेली जाते रहे थे, पर आज फर्स्ट ट्रिप हमारा खूबसर का भी कर लेते हैं, खूबसर एक्सप्लोर कर लेते हैं आपके लिए। तो आप बने रहे वीडियो में। कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी हो रही थी सारी, यहाँ पर ज़ीरो स्नो है दोस्तों अभी भी, इस टाइम पे ज़ीरो स्नो है यहाँ पे। थोड़ा आगे ग्लेशियर आया हुआ है, आपको दिखाते हैं ग्लेशियर क्या चीज़ होती है। तो ये स्नो का मेन ग्राउंड था जो खाली पड़ा है, और ग्राउंड के आगे आप देख सकते हैं बहुत ऊंची दीवार दिख रही है आपको स्नो की, ये ग्लेशियर आया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आया थे ग्लेशियर, आप देख सकते हैं। खोक्सर के रास्ते में हल्की हल्की स्नो देखने को मिल रही है हमारे को, क्योंकि हम भी आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं खोक्सर की ओर। यहाँ पर स्नो तो है दोस्तों, पर हार्ड स्नो है, थोड़ा गंदा भी हो चुका है स्नो, इंजॉय करने के लिए काफ़ी है आपके लिए अगर स्नो देखने आ रहे हैं। हो सकता है बाहर लाइव स्नोफॉल भी हो जाए आज फिर से। खोक्सर के रास्ते पे भी अच्छी स्नो है लगभग, क्योंकि समर आ चुका है, फिर भी बहुत अच्छा स्नो है, जिसे हम अच्छा ही बोल सकते हैं। अगर आप आ रहे तो आपके लिए अच्छी स्नो है, आप देख सकते हैं पूरा वाइट माउंटेन है राइट में, और लेफ्ट में भी स्नो है, यहाँ पर लोग भी इंजॉय कर रहे हैं बर्फ में। ये ग्लेशियर पॉइंट है, पिछली बार बहुत ही बड़ा ग्लेशियर आया था इस वाले नाले में, तो इस बार भी अच्छी दीवार है यहाँ पर, अभी फिर से आया हुआ है देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी अगर आपको स्नो की दीवारें देखनी है तो आप ज़रूर खोक्सर की ओर भी विजिट करें, क्योंकि सिसु वाली साइड तो अब स्नो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बहुत कम रह चुकी है, पर यहाँ पर बहुत ही अच्छी दीवारें है स्नो की, अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्नो भी है, तो मज़ा ही आएगा आपको यहाँ आके। तो दोस्तों आज हम आए हैं खोक्सर की ओर, क्योंकि सिसु हम डेली जा के थक चुके थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी स्नो की दीवारें हैं दोस्तों, मज़ा आ गया आज फिर से एक बार स्नो देखकर। आप देख सकते हैं बहुत स्नो है दोस्तों, उंगलियाँ टूट गई थी मेरी, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्नो है यहाँ पे। तो आप खोक्सर ज़रूर आए दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्नो है, मैंने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा स्नो है खोक्सर में भी। हार्ड ज़रूर है, पर स्नो देखकर आपको मज़ा ज़रूर आएगा। ये देख सकते हैं आप खोक्सर का स्नो पॉइंट, लोग यहीं से इंजॉय कर रहे हैं अब बहुत ज़्यादा, और क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, बंटा हुआ है क्राउड, कुछ क्राउड सिसु की ओर गया है। इस हिसाब से मुझे लगता है सिसु जाकर तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि सिसु में अभी स्नो बिल्कुल भी नहीं है,
खाली अगर आप सीथी वैली जाना चाहते हो, लॉन्गेस्ट जिप लाइन और अनटच स्नो के पास जाना चाहते हो तो फिर आप शिशु वाली साइड जाए। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं मौसम भी थोड़ा ख़राब है, तो अगर आपको भी बर्फ़ में इंजॉय करना तो इस प्रकार से स्नो ड्रेस भी लगानी पड़ेगी, तभी आप स्नो में लेट के इंजॉय कर पाओगे। अगर आप भी गर्मी से दुखी हो चुके हैं दोस्तों, तो आप मनाली ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा स्नो है और स्नो एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हो और बर्फ़ में फुल इन्जॉय कर सकते हो दोस्तों। आप भी मनाली बाइक से आना चाहते हैं, प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं और हमारे साथ आना चाहते हैं टैक्सी गाड़ी में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मनाली अपडेट के लिए बद्री डायरीज को फॉलो कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में चल रहा होगा। आप अपनी प्राइवेट व्हीकल में भी आ सकते हैं, बाइक में भी आ सकते हैं, अलाउड हो चुका है। और आप स्नो देख सकते हो, यहाँ पर क्राउड भी देख सकते हो, जनता भी देख सकते हो, कितनी ज़्यादा जनता आजकल गर्मी में बर्फ़ का लुत्फ उठा रही है दोस्तों। सकते हैं आप, पूरा फुल क्राउड है, फुल जाम लगा हुआ है यहाँ पर, इतना ज़्यादा क्राउड है और लाइव स्नोफॉल भी हो रही है यहाँ पर, तो हल्की हल्की लाइट स्नोफॉल हो रही है, आप देख सकते हो वीडियो में अगर आपको दिख रहा होगा। तो यही है मनाली दोस्तों, मनाली खूबसर स्नो पॉइंट, जहाँ पर आपको आजकल अप्रैल, आज है दोस्तों 24 अप्रैल और आज भी लाइव स्नोफॉल हो रही है दोस्तों, हैरान हूँ मैं तो अभी मना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइव स्नोफॉल हो रही है, खोक्सर का क्राउड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा। अगर यहाँ देख सकते हैं स्नो पॉइंट की बसेस भी चल पड़ी है मनाली से, ये आपको स्नो पॉइंट ही घुमाएगी खाली। अगर आप भी एक बजट प्लान करके सिसु स्नो पॉइंट घूमना चाहते हो, खुकसर घूमना चाहते हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो स्नो पॉइंट के लिए HRTC की बसें भी चालू हो चुकी है दोस्तों, जिसमें आपको पर सीट 500 रुपये पड़ेगी, पर मेंबर 500 रुपये। अगर आप चार लोग हैं दोस्तों तो आप हमसे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बस तो आपको पता है डायरेक्ट आपको स्नो पॉइंट पर ही छोड़ेगी और टाइमिंग इशू भी रहेगा। अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं तो टाइमिंग इशू कोई नहीं रहेगा, खाली आपको बस प्राइस में ही हमारी गाड़ी में भी पर सीट पड़ेगी। ये ऑफ़र खाली आपको 10 मई तक रहेगा, 10 मई के बाद प्राइजेज थोड़ा हाई हो जाएंगे, होटल प्राइजेज भी हाई हो जाएंगे। अभी आप लग रहा होगा मनाली खाली पड़ी है दोस्तों, मनाली खाली कभी पड़ नहीं सकती, मनाली में बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और बहुत ही ज़्यादा लोग घूमने आए हैं। तो आप अगर घूमने आ रहे हो मनाली तो आप भी स्नो पॉइंट की और सुबह जल्दी निकल जाएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जाम की, सुबह और शाम ही जाम में फंस सकते हो आप। आगे अभी गाड़ी जाने नहीं दी जा रही है, ये रोड जाता है स्पीति और अपना रोहतांग पास, रोहतांग पास अभी क्लोज़ है दोस्तों, जैसे ही रोहतांग पास खुलता है तो वैसे ही हम आपको अपडेट देंगे। बाकी आप स्नो देख सकते हो, स्नो अभी काफ़ी है यहाँ पर भी, तो स्नो के लिए आप ना घबराएं, स्नो आपको यहाँ पर भी अच्छी मिलेगी। तो हम यहाँ से वापस ही जाते हैं, यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है दोस्तों, तो हम गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे दोस्तों। तो हम तो ये अभी का खोक्सर का पॉइंट है, स्नो पॉइंट का, यहाँ पर स्नो एक्टिविटी हो रही है, तो हमने सोचा कि ना आपको दिखा दे, बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर सभी स्नो एक्टिविटी कर रहे हैं, स्नो में मज़े कर रहे हैं। और सामने भी ग्लेशियर आया हुआ है, आप रिवर साइड में बिल्कुल भी ना जाएं, अगर आप रिवर साइड जाते हो तो आपकी जान को पूरा खतरा है, 100% खतरा है, अगर फिसल गए तो आपका बचना मुश्किल ही है दोस्तों, आप बच नहीं पाओगे, तो ना बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है स्नो एक्टिविटी के लिए, मज़े करें स्नो में मनाली आके। कोक्सर में हमें वो मज़ा नहीं आया दोस्तों, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, पार्किंग नहीं है, स्नो भी बिल्कुल हार्ड है, तो हम वापस अपने सिटी वैली की ओर चल पड़े हैं दोस्तों। तो वहाँ भी देखते हैं अभी स्नो है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वहाँ नहीं गए, तो आपको लाइव अपडेट देंगे वहाँ का, और अगर अच्छा स्नो होगा वहाँ पे, वैसे मुझे उम्मीद है क्योंकि मैंने वीडियो में सुबह ही वहाँ का अपडेट देखा, वहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट स्नो है वहाँ पर, जो मैं आज आपको खुद वहाँ जा के दिखाऊँगा। देख सकते हैं आप एवलांच किस तरह से आते हैं पहाड़ों से, कभी भी टूट जाते हैं दोस्तों, और देख सकते हैं आप इतना ज़्यादा स्नो आया है, पूरा रिवर ही ब्लॉक किया था इस स्नो ने, अब तो स्नो पिघल चुकी है पूरी, यहाँ पर अटल टनल ही अटल टनल, और अटल टनल का ग्राउंड पूरा खाली हो चुका है दोस्तों।
से लेफ्ट मुड़ता है अटल टनल मनाली की ओर रास्ता, और आगे सीधा जाता है ले लद्दाख और सिसु वैली की ओर। तो अटल टनल के पास भी ग्लेशियर आया हुआ था जो आपने वीडियो में देखा होता, पूरी रिवर जम चुकी थी उस टाइम पे, और देख सकते हैं आप बहुत बड़ा ग्लेशियर आया था। अभी तो आधा कट चुका है। आप भी सिसु आना चाहते हो तो खाली व्यू मिलेगा आपको, वाटरफॉल का ट्रैक कर सकते हो आप, जो बहुत ही प्यारा और मनमोहक है। बाकी आप देख सकते हैं सिसु की स्नो टोटली ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ये तो हमारे साथ मोए मोए हो चुका है दोस्तों, हमें लग रहा था यहाँ पर स्नो होगी पर यहाँ पर तो मोए 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 मोए। आगे देख सकते हैं सिसु में स्नो का कोई नाम ही नहीं है। देखते हैं अब यहाँ पर, ये हमारा अनटच स्नो वाला पॉइंट है 89 काउंटर नंबर, तो यहाँ पर अनटच स्नो मिलती है देखने को। देखते हैं यहाँ पर है। पहले हम आगे से देखेंगे कि उस साइड स्नो है या नहीं है, तभी हम उस साइड जाएंगे वीडियो बनाने, नहीं तो नहीं जाएंगे दोस्तों। स्नो तो वहाँ पर अनटच ही लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश स्नो दिख रही है, आपको आगे से दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर बहुत ही फ्रेश स्नो है आप देख सकते हो, खाली आपको वॉक करके जाना पड़ेगा, जिप लाइन क्रॉस करके उधर लॉन्गेस्ट जिप लाइन करके वॉक करके आप जितना आगे जाओगे उतना ज़्यादा आपको स्नो मिलेगा और फ्रेश स्नो मिलेगा आपको दोस्तों। हमने अभी फैसला किया कि हम उस साइड जाएंगे, क्योंकि कुकसर में भी वो मज़ा हमें नहीं आया था, स्नो में हम उतरे ही नहीं क्योंकि बहुत हार्ड और काली स्नो पड़ी हुई थी वहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर हम जिप लाइन से उस साइड जाएंगे क्योंकि परे हमें बहुत फ्रेश स्नो दिख रही है, तो हम उधर जाने की कोशिश करेंगे और उधर जाके थोड़ा एंजॉय करेंगे आज। तो मिलते हैं उस साइड ही आपसे। जिप लाइन करके दूसरी साइड पहुंच चुके हैं, लॉन्गेस्ट जिप लाइन करके बहुत मज़ा आया। नील भाई ने फर्स्ट टाइम जिप लाइन की है लॉन्गेस्ट वाली, पूछते हैं नील भाई से कैसा रहा सफ़र। बहुत ही मज़ा आया और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा लगी यहाँ पर, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश है, क्राउड ज़ीरो है। साथ में यहाँ पर अब गोभी भी उग रही है, ये गोभी का खेत है, लाहौल स्पीति का आलू और गोभी और हरा मटर सबसे ज़्यादा फेमस है, और सबसे फ्रेश हरा मटर आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेगा, और मीठा सबसे वाइट गोभी यहीं की देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आगे बौके थोड़ा सा, अगर इंजॉय लेना है बिल्कुल फ्रेश स्नो में और बढ़िया वाला स्नो में तो थोड़ा सा वॉक भी करना पड़ेगा आपको। तो ऊपर से दिखाएंगे व्यू कैसा दिखता है यहाँ का, क्योंकि सिसु और कोकसर में उतनी अच्छी बर्फ़ नहीं है, सिसु में तो बर्फ़ नहीं है, कोकसर में बर्फ़ हार्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही मुलायम बर्फ़ है। अनिल भाई बर्फ़ में डूब चुके हैं क्योंकि मुलायम बर्फ़ है तो पाँव भी डूब रहा है। इतना लंबा ट्रैक करने के बाद मोए पूरा बर्फ में घुस गया हूँ मैं, क्या ही बताएं आपको। पर यहाँ पर एक ग्रीन से पेड़ दिख रहे हैं मुझे, ये कौन से पेड़ है दोस्तों मुझे भी नहीं पता। नीलू भाई तो शहर के लोगों से भी बाहर के लोग हो चुके हैं, मोटापा इतना आ चुका है चला नहीं जा रहा है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, और स्नो देख सकते हैं बिल्कुल वाइट, भाई को मोए मोए हो चुका है दोस्तों। स्नो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पर वॉक करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा फ्रेश स्नो देखने के लिए, बहुत ही थक चुके हैं हम भी, हम ट्रैक करने के मूड में आए थे आज, और मज़ा आ गया यहाँ से। यहाँ से आपको 360 व्यू दिखाते हैं, इधर बीच में स्नो नहीं है, नीचे भी स्नो है हमारे,
आगे भी स्नो है और हमारे साइड में भी स्नो है। अगर अप्रैल में भी आप स्नो देखना चाहते हो तो बद्री डायरीज को कांटेक्ट जरूर करें और हमारा फुल ब्लॉग वॉच जरूर करें। हमने आज का अपडेट इसी ब्लॉग में दिया है, मनाली का करंट अपडेट, स्नो पॉइंट का अपडेट, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। व्यू लग रहा है यहाँ का। तो आज का ब्लॉग इन्हीं खूबसूरत वादियों के साथ हम ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बद्री डायरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। कुछ बोलना चाहोगे नील भाई? बहुत मज़ा आया आपके साथ आते हुए। भाई को पहली बार लाया मैंने अपने साथ घूमने के लिए, तो भाई भी मज़े कर रहे हैं काफ़ी, फुल मज़े। तो आप हमसे बुकिंग लीजिए, आपको भाई भी घुमाएंगे, हम भी घुमाएंगे। ज़िंदगी में कभी कभी शांति में भी घूमना चाहिए दोस्तों। हम तो पीसफुल प्लेस पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ आकर बहुत ही अच्छा अनुभव हो गया, प्रकृति के साथ मेल हो गया और खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में हम घूम रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल पीस है और आज का ट्रैक हमारा बिल्कुल सफल हो गया दोस्तों, पैदल ट्रैक। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रैक अगर आपको भी मनाली आकर करने हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, हम आपको ट्रैक अपने साथ कराएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो जिप लाइन के पास बहुत ही रश पड़ा हुआ, तो हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, हम रिवर से वापस जाएंगे, झूले से, सरकारी झूले से जाएंगे वापस। शॉर्टकट रास्ता अपनाया यहाँ पे अभी क्योंकि परे से बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रूट था, तो मैंने सोचा क्यों ना शॉर्टकट मारा जाए। तो नील भाई को भी हौसला आ गया मेरे को देख के अब शॉर्टकट से आने का। आओ जल्दी आओ, टांगे रखना के को मूड मत जाना। आओ भाई आओ, ब्लॉग बनेगा ना तब व्यस थोड़ी बनेगा, टांगे खड़ी रखना आगे से, कुछ नहीं है, आओ। का बहुत ही ज्यादा मजा आया हमें, देख सकते नील भाई डर रहे थे पर मैं पहले कूद गया, नील भाई ने वीडियो नहीं ली मेरी, मैंने नील भाई की वीडियो ली है। मजा मजा बहुत मजा। तो जिपलाइन में भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, हमने उसको स्किप किया, हमने एक और चीज़ देखी हुई यहाँ पर, चलेंगे अपने पुराने एडवेंचर में जिसमें हम बचपन में जाते थे। हाँ जी, आज उसी में जाएंगे दोबारा, उसी में जाएंगे जिसमें अभी जिसका यूज़ अभी यहाँ से सब्जियाँ निकालने के लिए और हमारे उधर सेब की पेटियाँ पहाड़ों से नीचे लाने के लिए यूज़ किया जाता है रोड तक लाने के लिए। तो हम आज उसमें बैठ के ही दूसरी तरफ जाएंगे और इन्जॉय लेंगे। चलो दोस्तों, बद्री डायरीज रियल एडवेंचर कुछ अलग ही चीज़ है, अलग ही एडवेंचर है, रियल एडवेंचर होता है, तो हम रियल चीज़ों को ही ज़्यादा दिखाते हैं, तो हम फेक चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते दोस्तों। ये है हमारा रियल एडवेंचर। अगला तो ये हम अब झूले से पार करेंगे रिवर को, रियल एडवेंचर है अभी ये, एक रियल एडवेंचर ही है अभी दोस्तों। तो नील भाई पहले तो झूले को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा हमारे को, ये भी बहुत मेहनत का काम है। ये हमारे गांव में यूज़ होता है, जैसे जहां पर रोड की सुविधा नहीं है वहां से हम अपनी फसलें झूले के द्वारा निकालते हैं। और ऊपर तो अभी पूरी लाइन लगी हुई थी, ये है ऊपर जिप लाइन जहाँ पर पूरी लाइन लगी हुई है, तो हमने स्किप किया और हम सीधा शॉर्टकट से जाएंगे, शॉर्टकट रास्ते से जो लगा के हिस्सा झूले में सुबार हो। चलो भाई लटक चुटके हैं बीच पे ही और रियल एडवेंचर है दोस्तों। यहाँ देखो आप देख सकते हैं झूले में नील भाई पूरी मेहनत करते हुए और हम झूले में आज झूले की आइयो एक दो आयशा थक चुके हैं पूरी तरह, हमारा सफर देख सकते हैं आप कितना हवा तेज है और हम झूले में फंस चुके हैं। चलो भाई खींचो, शाबाश शाबाश शाबाश, एक दो नील भाई थक चुके हैं लगता है, लॉक किया जाए सर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दूसरी तरफ, नीलू भाई दूसरी बार मेरे साथ नहीं आएंगे, रस्सी खींच खींच के थक चुके हैं। चलो भाई आ जा, पकड़ो भाई झूला पकड़ो, बस छोड़ना मत पर भाई, मजा आ चुका है दोस्तों। ओके
थैंक यू बद्री। रियल एडवेंचर के मजे करते हुए बातचीत करते हैं जिसने के साथ। टाटा बाय बाय, हर हर महादेव, कल फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। हर हर महादेव।